नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पेशाब में जलन या बर्निंग मैच्यूरेशन के बारे में बताऊंगा, इसके कारणों के बारे में बताऊंगा और इसके क्या प्रमुख लक्षण होते हैं तथा इसका क्या एक बेहतरीन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। साथ में कुछ ऐसे घरेलू ट्रीटमेंट हैं जिससे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। पेशाब में जलन या मूत्रदाह, यह अक्सर औरतों में ज़्यादा पाई जाने वाली समस्या है, हालांकि यह पुरुषों में भी पाई जाती है और स्पेशली गर्मी के दिनों में तो ये ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, क्योंकि ये समस्या जो है वो पित्त से संबंधित ज़्यादा है, पित्त बढ़ने से ज़्यादा होता है, अपानवायु की विकृति से होता है। तो बर्निंग मैच्यूरेशन, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम लोग पहले कारण देखेंगे कि किन किन कारणों से ये हो सकता है किसी में। तो आर्गन के सिस्टम, अगर आर्गन अंगों के आधार देखा जाए तो ये किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, ये यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी में हो सकता है, इसके अलावा ब्लेडर यानी मूत्राशय जो पेशाब की थैली उसमें हो सकता है, और पेशाब का मार्ग यानी यूरेथ्रा इसमें भी हो सकता है। अब ये किन किन कारणों से होता है, इसमें डायबिटीज हो सकती है और औरतों में वैसे भी गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, ये एडवांस एज हो ज़्यादा जैसे वृद्धावस्था में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो पुरुषों को भी हो सकता है, इलाज प्रोस्टेट होता है, किडनी में पथरी बनी है तब भी हो सकता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये अक्सर लोगों में यूटीआई इन्फेक्शन पाई गई है तो उसमें भी ये बर्निंग मैच्यूरेशन पाई जाती है। और किसी व्यक्ति में अगर कैथेटर लगा हुआ है पेशाब कराने के लिए, कैथेटर अगर लंबे समय तक लगा हुआ है या कैथेटर को लगाने में सैनिटाइजेशन का सही ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसमें भी ये इन्फेक्शन हो जाती है, यूटीआई इन्फेक्शन, जिसे आपको बर्निंग मैच्यूरेशन की समस्या होती है। इसके अलावा हार्टबीट का इन्फेक्शन हुआ, सिस्टाइटिस यानी जो पेशाब की थैली उसमें सूजन हो जाना, और कई प्रकार के ट्यूमर जो हैं जो बन जाते हैं एडवांस एज में, इन कारण से भी ऐसी समस्याएं होती हैं। लेकिन मुख्य कारण इसमें जो हमारी यूटीआई इन्फेक्शन में, वो पित्त की वृद्धि यानी पित्तवर्धक आहार विहार की ज़्यादा सेवन करने से भी ऐसा होता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मर्चा तीखे मिर्च मसाले खाते हैं खाता है तो उसके पेशाब में जलन शुरू हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, यदि आपकी यूटीआई इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो मूत्र का जो मार्ग होता है उस मार्ग में कहीं अगर इन्फेक्शन हो जाए उसको यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। तो यूटीआई इन्फेक्शन के कारण अगर ये समस्याएं हैं किसी को, तो इसमें लक्षण क्या क्या होंगे, इसमें फीवर हो सकता है, किसी को बुखार आ सकता है, बुखार से ठंडी आएगी, फीवर विथ चिल्स ये कंडीशन है, ध्यान रखें। अगर बुखार के साथ आपको ठंडी आ रही है तो एक मलेरिया हो सकता है, एक पेशाब इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पेशाब में जलन है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन ही है। दूसरा, पेशाब में एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है, स्ट्रांग फाउल स्मेल होता है। इसके अलावा पेशाब का जो कलर होता है वो क्लाउडी यानी बादल जैसा या ब्लडी, उसमें हल्की हल्की खून की मात्रा उसमें मिलती है, इस तरीके के पेशाब का कलर जो है वो अलग दिखता है, और यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार पेशाब लगती है, बार बार व्यक्ति को पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब एक बार गया और फिर उसे लगता है कि अभी है पेशाब। और तीसरी इसमें और एक बात होती है कि फ्लैंक रीजन में यानी हमारे जो पार्श्व भाग हैं, बगल के रीजन हैं, बगल के भाग जहाँ किडनी है उसके बगल के भाग में, हाँ, दोनों साइड जो है वो दर्द हो सकता है। और आपका औरतों में अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसमें वैजाइनल ईचिंग हो सकता है, और उसमें
इन्फ्लामेशन के कारण उसमें स्वेलिंग हो सकती है, उसमें जलन हो सकती है पेशाब के मार्ग में। ये सारी लक्षण अगर मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यूटीआई इन्फेक्शन है। और इसको जांच करने का सबसे सामान्य तरीका है पेशाब का आरएम कराना, यानी पेशाब का रूटीन माइक्रोस्कोपी, जो कि एक सस्ती जांच होती है, हर जगह सुलभ। तो इसमें अगर आपका पेशाब के इन्फेक्शन में आपका 10 SPF से ज़्यादा, यानी 10 SPF से 40 SPF ऐसा इन्फेक्शन है, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, वो इसका बेहतरीन इसका मैनेजमेंट कर सकता है। और जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा तो निश्चित रूप से 20 SPF तक इन्फेक्शन में बिल्कुल बढ़िया काम करता है। उससे ऊपर का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें निश्चित रूप से आप सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, वो इसको बढ़िया मैनेज कर सकता है। इसमें आपको एक मैं बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो जिसमें आपको दवाएँ खरीदनी पड़ेगी, और कुछ घरेलू चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है इसमें। तो पहले आपको जो बाज़ार से लेनी है उस दवा के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें गुछराज गुगुल 1 ग्राम, चंद प्रभावटी 500 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 500 मिलीग्राम, और गिलोय सत 500 मिलीग्राम। ये सभी दवाएं बैद्यनाथ भी बनाती है, डाबर भी बनाता है, और कई आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, जो भी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक कंपनियां उनकी दवाएं लेकर के आप, ये आपकी एक मात्रा होगी। इस प्रकार से एक एक मात्रा सुबह शाम आप मधु से या गुनगुने या जल से लें, तो इससे आपका भयंकर UTI इन्फेक्शन भी, यानी 20 तक है, ये बिल्कुल इसमें आपको बहुत जल्दी सुधार हो जाता है, और इसमें इसको जड़ से आराम मिल जाती है। दूसरा, यदि आप बाज़ार से दवाएं नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ, उसको यूज करें, निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। इसमें सबसे पहला आता है धनिया का चूर्ण, धनिया सूखी धनिया लें, उसको थोड़ा दरदरा पीस करके और उसको जो है भिगो दें, 8 घंटे तक भिगोए रखें, और उसके बाद उसको रगड़ करके छान करके और उसको पी जाएँ। इस प्रकार से सुबह शाम धनिया का अगर पानी पी रहे हैं, तो जलन में तो आपको पहले खुराक से ही आपको आराम होना शुरू हो जाता है। पेशाब के इन्फेक्शन को कवर करने के लिए आपको शीशम की पत्ती का काढ़ा, शीशम की पत्ती का काढ़ा बना करके सुबह दोपहर शाम इसको पिएं, तो इससे पेशाब की इन्फेक्शन बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाती है। अगर ये दोनों दवाएँ यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी ही आपको लाक्षणिक आराम, यानी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, और साथ साथ आपका समस्या भी खत्म हो जाती है। एक और चीज़ है, अगर आपको बार बार पेशाब होता है, यानी बार बार आपको हर 2 मिनट हर 5 मिनट जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको गूलर के फल से छाल कर काढ़ा पीना होगा। धन्यवाद।